नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल 360 ज्ञान पर स्वागत है। हमारे शिक्षक भाइयों के लिए एम शिक्षा मित्र ऐप को लेकर दोस्तों आज नोटिफिकेशन आया है। उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ जो हमारे कई शिक्षक भाइयों को शिकायत थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, उसी विषय में दोस्तों है नोटिफिकेशन है किस तरीके से इसमें जो एम शिक्षा मित्र है उसमें संशोधन किए गए हैं, तो उसके बाद आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल 360 ज्ञान पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा दोस्तों नोटिफिकेशन आया, जिसमें लिखा है, वैसे बता देता हूँ, स्कूली शिक्षा विभाग के मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म एम शिक्षा मित्र प्रभावी क्रियान्वयन बाबत। दोस्तों मतलब दोस्तों जल्दी ही एम शिक्षा मित्र ऐप दोस्तों लागू होने वाला है, तो आपको मैं यहाँ पर मेन पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है, स्कूली शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु एम शिक्षा मित्र ऐप विकसित किया गया है, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति लिए जाने का प्रबंध भी सम्मिलित है। मतलब दोस्तों इसी ऐप से हमारे जितने भी अधिकारी हैं, शिक्षक हैं और जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं, उनके लिए ई अटेंडेंस लागू की गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे विभिन्न बिंदु हैं, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन की उपलब्धता, ग्रामीणों में नेटवर्क, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं होना, मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाना, नेट पैक की अनुपलब्धता आदि प्रेक्षित की गई है, जिसमें मतलब अगर दोस्तों आपके जिसके संबंध में स्थिति निम्नानुसार है, नेटवर्क की उपलब्धता है। दोस्तों आपका पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, मोबाइल में प्रथम बार लॉगिन के समय ही इंटरनेट की आवश्यकता होती है, इसके बाद उपस्थिति दर्ज करते समय नेटवर्क नहीं होने की उपस्थिति में भी ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज हो जाती है। इसके पश्चात जब आप मोबाइल नेटवर्क के एरिया में आते हैं तो स्वयं उपस्थिति की जानकारी सर्वर पर प्रेक्षित हो जाती है। मतलब दोस्तों अगर आप पहले एम शिक्षा मित्र ऐप को फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तभी आपको नेटवर्क की आवश्यकता होती है, उसके बाद जैसे आप प्रेजेंट लगाने दूसरे दिन स्कूल गए, अगर गाँव में आपके ग्रामीण इलाके में नेटवर्क भी नहीं है तो आप ऑफलाइन मोड पर ऑटोमेटिक आपकी प्रेजेंट आप दर्ज करवा सकते हैं, और जैसे ही आप वापस अपने घर वगैरह आएंगे, जैसे आप शहरी क्षेत्र में आएंगे तो नेटवर्क आने पर आपकी उपस्थिति सर्वर पर प्रेक्षित हो जाएगी। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ऐसी संस्था जहां पर ग्रामीण नेट कनेक्टिविटी नहीं है और उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक उन्हीं ग्रामीणों में निवास करते हैं, उनकी सूची निम्न प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जाए, तत्पश्चात संयुक्त टीम द्वारा इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी की जांच की जाए तथा जांच के उपरांत 16 जुलाई के पूर्व एकीकृत सूचित संचालन को प्रेक्षित की जाए ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। मतलब दोस्तों ऐसे ग्रामीण इलाके जहां पर टीचर उसी ग्राम में रहते हैं, उन टीचरों की लिस्ट तैयार करके 16 जुलाई तक संचालन को प्रेक्षित की जाए ताकि उस पर दोस्तों कार्रवाई की जा सके, उनको उससे जो भी उनका हल निकलने वाला है, वो जो भी उससे बातचीत करके उनका जो भी मैटर है उसको सुलझा लिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी के पास एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फ़ोन नहीं आता, उसमें कुछ ख़राबी आ गई, तो ऐसी स्थिति में संस्था प्रमुख सहकर्मी के माध्यम से किसी भी शिक्षक कर्मी की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। संस्था प्रमुख अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। मतलब दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या ख़राब हो गया है, तो इसमें आपका जो सहपाठी जो साथ में आपके टीचर हैं वो आपकी प्रेजेंट लगा सकता है, या आपके जो अधीन मतलब आपके प्रचार वगैरह वो आपकी प्रेजेंट लगवा सकते हैं। नेट पैक की व्यवस्था है तो प्रति साला 100 रुपये प्रतिमा का बैच साला की संस्थान निधि से किया जा सकता है। मतलब दोस्तों आपको इसके लिए जो आपका नेट पैक डलता है इसके लिए सरकार 100 रुपये प्रतिमा देने की तैयारी में भी है, अतः सभी शिक्षक अपने मूल संस्था में उपस्थित होकर इस उपस्थिति दर्ज करवाएं। दोस्तों जो टीचर हैं अगर जैसे उनको अपनी मूल संस्था में ही उपस्थिति होगा, उपस्थिति किसी विशेष परिस्थिति में सलीकरण में जैसे शून्य शिक्षक शाला प्रभारी जन शिक्षक होने की उपस्थिति में जन जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी जुलाई तक संचालन को प्रेषित किया कि उन संबंध में पोर्टल मतलब अगर दोस्तों आपका संविलियन वगैरह हुआ है, कुछ भी जो मैटर संविलियन नहीं म्यूचुअल वगैरह हुआ है, तो आप अपनी जानकारी 16 जुलाई तक संचालन को प्रेषित करें ताकि उसकी जानकारी आपके जो एजुकेशन पोर्टल है उस पर व्यवस्थित की जा सके। सभी शालाओं में कक्षावार विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता दर्ज कराई जाए। दोस्तों आपको अपनी तो लगाना ही प्रेजेंट, जो अपने स्टूडेंट हैं उनकी भी आपको उपस्थिति दर्ज करवाना है। स्कूली शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित प्रदेश के सभी राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय डाइट के सभी लोग उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक होगा। दोस्तों सभी जो डिपार्टमेंट जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कार्यालय डाइट के सभी लेख सेवकों की उपस्थिति दर्ज कराना भी आवश्यक है। कोई कर्मचारी शिक्षक जन शिक्षक VSC कार्यालय कार से बाहर जाता है अथवा शैक्षणिक बीमार निरीक्षण पर जाता है तो ऑन ड्यूटी विकल्प का उपयोग किया जाएगा और
शिक्षक भ्रमण निरीक्षण की जानकारी उसी दिनांक को शाला दर्पण में दर्ज की जाएगी। मतलब अगर दोस्तों उसमें है ऑन ड्यूटी वाला मोड तो आप उस पर सेलेक्ट करके जा सकते हैं और उसी दिन आपको शाला में इसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। अवकाश होने की स्थिति में लीव का विकल्प किया जाएगा एवं अवकाश संबंधी आवेदन शाला प्रभारी को पूर्वस्था अनुसार प्रस्तुत करना होगा। आपको दोस्तों एप्लीकेशन तो देना पड़ेगी, पर आपको एप्लीकेशन से आप सेलेक्ट कर देंगे लीव तो ऑटोमेटिकली वो अपना जो एजुकेशन पोर्टल का सर्वर है जो भी है उस पर आपके ऑटोमेटिकली वो पहुँच जाएगी। यदि किसी कारणवश उपस्थित दर्ज नहीं हो पाती संस्था प्रमुख के द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई जा सकेगी। कोई अन्य समस्या होने पर जैसे कि क्षेत्र में नेट कनेक्टिविटी पूर्णतः न होने पर शिक्षक द्वारा वहीं निवास करना शाला प्रबंधन समिति SMDC के सत्यापन उपरांत अधिकारी उपस्थिति को मान्य किया जाएगा। सभी शिक्षक कर्मचारियों के ऐप के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण कैंप लगाकर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण का दोस्तों कार्यक्रम आप देख सकते हैं संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, इसका दोस्तों 9 जुलाई 2018 को प्रशिक्षण होगा। जिला स्तर पर आप देख सकते हैं समस्त VRC VS समस्त MIS दोस्तों आप जैसे जिले के DO NIC एवं जिला शिक्षण केंद्र में पदस्थ प्रोग्राम है। जिला शिक्षा अधिकारी DSSA 12 जुलाई 2018 को दोस्तों होने वाला है। ब्लॉक स्तर पर आप देख सकते हैं समस्त शिक्षक प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल हायर सेकेंडरी हाई स्कूल दो चरण में होना है दोस्तों। इसकी तारीख आप देख सकते हैं 16 जुलाई 2018। DO विधेयक को प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी तथा प्रशिक्षण के दौरान ही ऐप डाउनलोड कराने की व्यवस्था 100% करी है। मतलब दोस्तों आपको जब प्रशिक्षण दिया जाएगा जब भी आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आपकी वो एंड्रॉयड फ़ोन में एम शिक्षा मित्र ऐप को डाउनलोड करना है उत्तर निर्देश का पालन प्रतिदिन 20 जुलाई के पूर्व संचालन को प्रेक्षित किया जाए। मतलब दोस्तों आपको 20 जुलाई तक आपको इसकी जो भी जानकारी है वो आपको पूर्ण कर लेनी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग 100 जन। दोस्तों अगर इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, इससे जानकारी हमारे जो सभी शिक्षक भाइयों तक पहुँचे और जैसे कोई दिक्कत और भी आती है तो उस पर मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसका मैं बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।